नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन 7 न्यूज़। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ के हर पेट्रोल पंप पे जाके किस तरह से डीएम सर ने आदेश जारी किया है, बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो डीलर कस्टमर्स को मूलभूत सुविधाएं देते हैं, जैसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट एयर होती है, आरओ मिनरल वाटर होता है, टॉयलेट्स होते हैं, इसके अलावा डेंसिटी जांच, फिल्टर पेपर जांच, लगातार कई तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं कस्टमर्स को दी जाती हैं, कहीं ना कहीं उनमें खामियां देखने को मिल रही हैं, कमियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते आज हम पहुँचे हैं चौहान किसान सेवा बहादुरगढ़ पेट्रोल पंप पे। तो और इनके जो डीलर हैं ममता हैं, महिला डीलर हैं, और जो उनके ससुर जी हमारे साथ हैं, क्या नाम है सर? महिपाल सिंह जी चौहान साहब जी हमारे साथ हैं, और मैनेजर अमित चौहान जी हमारे साथ हैं। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से वो यहाँ पर जो उनके कस्टमर्स हैं और आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, और डीएम सर के आदेश को किस तरह से वो अपने पंप पर लगा रहे हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है, कई बार शिकायत मिलती है हवा को लेकर, हवा के लिए बंदा मौजूद नहीं है या हवा का ताला लगा हुआ है, आपके यहाँ पर क्या स्थिति है? हमारे यहाँ पर अलग से एक बंदा हवा के लिए रखा गया है और उसका काम केवल हवा का है। हाँ, 24 घंटे हवा उपलब्ध है हमारे यहाँ। हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं है सर कि जो तेल लेता उसको हवा दी जाती हो? नहीं नहीं, सभी के लिए है ये सुविधा एयर की, कोई भी आकर हाँ, कोई मना ही नहीं है, अलग से बंदा। मेरा सवाल है आपसे आरओ मिनरल वाटर को लेकर, कई जगह से आरओ फिल्टर खराब हो जाते हैं या मशीनें खराब हो जाती हैं, पानी ठंडा नहीं होता जी, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? हमारे यहाँ लगा हुआ है जी, रेगुलर चलता है और समय समय पर उसकी जो हम साफ सफाई, फिल्टर चेंज वो वगैरह कराते रहते हैं, बढ़िया पानी की सारी सुविधा है 24 घंटे। तो मतलब आम लोग भी लेके जाते हैं कोई? जी जी, तो बोतलों में भर के भी, और कोई भी कस्टमर कोई तेल ले या ना ले, लेकिन पानी सभी के लिए। सर तीसरा मेरा आपको सवाल है, जब कस्टमर टॉयलेट यूज़ करता है तो वहाँ पर वो शिकायत करता है कि गंदे मिले शौचालय या वहाँ पर स्वीपर मौजूद नहीं था, आपके यहाँ पर क्या है? ये स्वीपर सुबह आके सारे की साफ सफाई, और बीच बीच में भी वो जैसे ही कोई गया उसके लिए अलग से स्वीपर हमने रखा हुआ है, जाने के बाद तुरंत साफ सफाई, दिन में जितने बार भी कोई जाएगा तो उसकी अलग से। हाँ जी, क्लीन शौचालय? हाँ जी बिल्कुल क्लीन। लेडीज जेंट्स? हाँ जी जी, लेडीज और जेंट्स अलग अलग शौचालय। हाँ जी। सर चौथा मेरा सवाल है, जब कस्टमर को डाउट होता है कि आपकी तेल की जांच करनी है या मुझे धांधलीबाजी की इसकी में शिकायत है, तो वहाँ पर फिल्टर के द्वारा, डेंसिटी के द्वारा जाँच की जाती है? हाँ जी, हमारे यहाँ उपलब्ध है, कोई भी कस्टमर अगर कुछ भी बोलता है भी हमें ये शिकायत मिल रही है, तो हमारे यहाँ पर फिल्टर पेपर भी मौजूद है और डेंसिटी भी, उसकी पूर्ण संतुष्टि हम यहाँ से करा के भेजते हैं। पूरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया जी जी जी। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जो डीएम सर का आदेश है बिना हेलमेट के और सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो किस तरह से लागू कर रहे हैं अपने पंप पे? बस लागू यही कर रहे हैं जी, धीरे धीरे लोगों को बोल रहे हैं, लेकिन अभी सभी लोग तो हेलमेट लेकर नहीं आ रहे, उन्हें बोला जा रहा है कि भाई आगे से अपने हेलमेट लेकर, सभी को जागरूक किया जा रहा है और इसको हम लागू कर रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है? हाँ जी हाँ जी, काफ़ी बहुत बहुत। हाँ जी, तो यहाँ पर आपने देखा जो मैनेजर है अमित चौहान जी, उनका बयान आ चुका है। मैं आपको बता दूं, साफ बता दूं कि यहाँ पर जो डीएम सर का आदेश है वो पूरी तरह से लागू है, यहाँ पर बैनर भी लगा हुआ है कि बिना हेलमेट के सीट बेल्ट के किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो डीलर जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो एयर की हो, आरओ मिनरल वाटर की हो, टॉयलेट्स की हो, सारी सुविधाएँ यहाँ पर भरपूर तरीके से कस्टमर्स को और आम लोगों को मिल रही हैं, और छोटी मोटी सुविधाएँ जैसे टेलीफोन, फर्स्ट एड बॉक्स और कंप्लेंट बॉक्स वो लगातार यहाँ पर जारी हैं। मैं कैमरामैन संजय के साथ अजीत सिंह, आईएसएन 7 न्यूज़। मैं महिपाल सिंह चौहान, डीलर ममता चौहान का फादर इन लॉ। मैं सभी क्षेत्रवासियों को यह दशहरा विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों का समय है, आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, तो ऐसे में क्यों ना ज्योतिषों का इंटरव्यू किया जाए और जाना जाए कि आपके दिक्कत परेशानियां, अगर लोगों को, बहुत से लोगों को दिक्कत परेशानियां ज़्यादा होती हैं तो वो लोग ज्योति आचार्यों के पास जाया करते हैं जानने के लिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, या घर के अंदर परेशानियां क्यों आ रही हैं, या बच्चों की बीमारियां अधिक क्यों बढ़ रही हैं। काफ़ी बार घर के अंदर आप देखते हैं नींबू या सिंदूर या ऐसी चीज़ें मिल जाया करती हैं, तो काफ़ी जगहों पर ये देखा गया है कि बाबा बनकर बैठ जाते हैं, अपने आप को काफ़ी बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर प्रचार करते हैं अपने और अपना आप को बड़ा करवाते हैं, मगर मेरे साथ आज जो शख्स हैं वो काफ़ी
फेमस हैं, और मैं आपको बता दूँ गोल्ड मेडलिस्ट हैं ज्योतिष सुमन जी। तो ये कहना काफ़ी होगा गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप समझ जाइए कि उनकी विद्या में कितनी अच्छी ताकत होगी जो गोल्ड मेडलिस्ट वो बने। देखिए ये तो अभी तो आश्विन मास है, ये शक्तिपीठ के विशेष रूप से जगदम्बा अपनी शक्ति को संचार के लिए शारदीय नवरात्र आ रहा है। शारदीय नवरात्र हम लोग शक्ति को उपासना विशेष रूप से करते हैं, शक्ति संधान में नवचंडी के विशेष उपासना हुआ करता है। नवचंडी सतचंडी इत्यादि का प्राविधान है। प्रत्येक घरों में प्रत्येक व्यक्ति व्रत करके अपने जठरा यह 10 दिन 9 दिन का व्रत करता है, और अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैकतेजसा अष्टमी नवमी और चतुर्दशी वाले दिन जगदम्बा का विशेष यज्ञ आहुति डाल करके कन्यादि पूजन करके और इस व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए। दशमी में विजयादशमी होते हैं, भगवान श्री राम विजय यात्रा करके पदार्पण हुए थे अयोध्या में, इस उत्सव में हम लोग मनाते हैं, विजय श्री दशमी को प्राप्त हुआ था। और ये जो देव शयन और देवोत्थान नाम आप लोगों ने सुना होगा, देव शयन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को कहते हैं। इसके पश्चात श्रावण आते हैं जिसमें हम लोग केवल शिवार्चन करते हैं, महादेव का उपासना करते हैं, पूरा श्रावण शिव उपासना के लिए प्रशस्त। गुरु जी कुछ जानना चाहूँगा, नवरात्र का समय है तो इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे स्पेशल? विशेष रूप से तो कृत्रिम रूप से यदि कोई व्यक्ति विशेष कोई आपत्तियाँ होती है तो कुंडली के अनुसार उसके निस्तारण किए जाते हैं, और सामूहिक रूप में केवल शक्ति संचार के लिए ही व्रत करना चाहिए। आद्याशक्ति पारंबा का उपासना, ये पारंबा एक कोई देवी स्वरूप है, और ये सभी देवताओं की शक्ति को जो सामान्य शक्तिपुंज कहते हैं उन्हीं का नाम दुर्गा है, उन्हीं दुर्गा का ही उपासना हम लोग यहाँ पर करते हैं ये शारदीय नवरात्र में। शरद ऋतु के शुभारंभ इसी से हुआ करता है। इस शारदीय नवरात्र और अभी शरद पूर्णिमा में विशेष रूप तो गोल्ड मेडलिस्ट आपको बनाया गया, ये तो यूनिवर्सिटी ने योग्यता के आधार पर। उस समय तो बस एक यात्री थे, वास्तविकता हमने तो कल्पना भी नहीं किया था गोल्ड मेडल मुझे मिलेगा, और हम कल्पना भी हम तो ज्योतिष में मैं व्याकरण से आचार्य मुख्य रूप से हूँ, व्याकरण से आचार्य के बाद ज्योतिष में मुहूर्त देखने के विरोधी में था जी, और उस विरोध के सत्यापन करने के लिए मैं कुंडली बनाना, कुंडली से कैसे किसी का भाग्य बताया जा सकता है, इस आशय से मैं इसमें गया और मैं ज्योतिषी बन गया। अब ज्योतिषी बन करके आपको प्रमाण है कि हजारों छात्र पढ़ करके यहाँ से गए, ज्योतिषी मठ में मेरे छात्र हैं, यहाँ यही धैर्यश्वर महादेव मंदिर का भी आप लोग आएंगे देखेंगे, वास्तविकता मेरी कर्म भूमि वही है। अच्छा, आपकी कर्म भूमि वही है, वहाँ फावड़े से आरती तक और आज के डेट में मैनेजमेंट तक संपूर्ण दायित्व मेरे पास है। गुरु की बात तो बताना चाहेंगे, नहीं है ये 10 महाविद्या का, जैसे आपने अभी बताया कि वो ब्रह्मास्त्र महाविद्या बदलामुखी की साधना, ये इसी समय अवधि में विशेष रूप से करना चाहिए। ये तो यहाँ पर जो ग्रंथ हैं वो केवल दैनिक प्रयोग में मुझे जो गणित में या किसी को उपासना की पद्धति को व्यक्त करने में बताना पड़ता है उसके वर्णन मिल जाएंगे, अन्य जितने भी 18 पुराण चारों वेद उपनिषद शतपथ ब्राह्मण वाचस्पत्यम आदि आदि सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। पहले मंदिर में ही हुआ करता था, मंदिर में भी है, और अभी मखान जैसे टूट गया है वहाँ।